मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। ये खबर अंबेडकर नगर से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की जन्मभूमि पर नवनिर्मित पवन मंदिर में भगवान के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जनपद प्रदेश देश ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के मंदिरों में पूजा अर्चना और दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। उस दिन पूरा विश्व राममय होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनपद के 118 मंदिरों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण जन सामान्य को लाइव दिखाने का कार्य करेंगे। जनपद के 315 शक्ति केंद्रों में मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आपके द्वार और मोदी की गारंटी के संकल्प पर करा की विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक गांव में जाकर सरकारी योजनाओं के वंचित पात्र परिवारों को जिन्हें अभी तक योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था उनका नाम वहीं पर तत्काल सूची में शामिल किया जा रहा है। मोदी की गारंटी के तहत उन्हें योजना का लाभ मिल जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार के मुखिया देश और प्रदेश के बेरोजगारों को अद्भुत अभ्युदय प्रशिक्षण सेंटर खोलकर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिला रहे हैं। भाजपा का संगठन बूथ स्तर तक मजबूती से खड़ा हो गया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लाखों मतों से विजयी होगा। 22 तारीख को अपने जिले में कार्यक्रम होने क्या है पूरी रूपरेखा? 22 तारीख को जिले में नहीं, 22 तारीख को प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में कार्यक्रम है और पूरा विश्व इसमें उल्लासमय है। अपने प्रभु राम गर्भगृह में उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी क्रम में अयोध्या का अंग होने के नाते अंबेडकर नगर बहुत हर्षित है, उल्लसित है और हम लोग 118 मंदिरों में प्रधानमंत्री जी के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी करेंगे और शेष 315 स्थानों पर पूरे जनपद में एक साथ सुंदर कांड का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा समाज के सहयोग से, अन्य आनुषांगिक संगठनों के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी इसमें पूरी तरीके से सहभागिता करके पूरे अंबेडकर नगर को राममय करने के लिए गांव, गली, गलियारे, चौराहे सजाने के लिए, दीप जलाने के लिए, झाला लगाने के लिए उत्साहित है। हमें लगता है कि 22 तारीख को अंबेडकर नगर पूरा राममय रहेगा। आपने कहा भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, अधिकारी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपका ही एक वीडियो आया था और उसी के एक दिन बाद जो है अकबरपुर विकास खंड का एक वीडियो आया जिसमें अधिकारियों की उदासीनता देखी गई। मैंने यह नहीं कहा कि जो आपने अभी प्रश्न किया, मैंने कहा कि भारत विकसित यात्रा इस समय एक अभियान नहीं आंदोलन बन गया है। मैंने कहा कि इसमें जनता बहुत हर्षित होकर के उमड़ रही है। निश्चित तौर पे प्रशासनिक अधिकारियों का, चूंकि मोदी सरकार और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो जितने आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक लोग हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। कहीं भी छोटी भी त्रुटि अगर रह जाती है तो चूंकि मोदी जी और योगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर रहते हैं, इसलिए हो सकता है किसी गलती का वीडियो आया हो अधिकारी कर्मचारी का, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अंबेडकर नगर जनपद में प्रधानमंत्री विकसित भारत यात्रा सबसे पहले शुरू हुई है और हमने सभी ग्राम पंचायतें लगभग कंप्लीट कर ली। और आपको बताना चाहूंगा कि लगभग सभी ग्राम पंचायतों में विकसित भारत यात्रा पर हजारों पात्रों ने योजनाओं की जानकारी ली है और जिनको लाभ नहीं मिलता उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है।